नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि, मैं हूँ रेडियो मिर्च से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। होलिका दहन के दिन शुरू हुए गंगौर पूजा का शुक्रवार को पूरे राजस्थानी विधि विधान से महिलाओं ने पूजा अर्चना कर गंगौर को विसर्जित किया। मनपसंद वर पाने की कामना करते हुए विवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी कन्याओं भी इस पर्व को करती हैं। विवाहित महिलाएं इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए करती है। इस दिन गंगौर माता को सजा धजा कर पालने में बैठाकर विसर्जित किया जाता है। पूजा होलिका दहन के दिन से शुरू होकर 18 दिनों तक चलती है। गंगौर पूजा करते वक्त महिलाओं के पास साफ पटरा, कलश, काली मिट्टी, होलिका की राख, गोबर या फिर मिट्टी के उपले, सुहाग की चीजें, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, काजल, इत्र, शुद्ध घी एवं कई सामान रहती है। मुजफ्फरपुर के सीढ़ी घाट पर विसर्जन कर रही तान्या ने बताया कि गंगौर पूजा के दिन सुहागिनों दोपहर तक व्रत रखती है। पूजा के समय शिव गौरी को सुंदर वस्त्र अर्पित करती है। माता पार्वती को संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं चढ़ाती है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब और पुष्प के पूजा अर्चना करती है। इस दिन गंगौर माता को फल, पूरी, गेहूँ चढ़ाए जाते हैं। दोनों हाथों में धूप लेकर इस जल से पहले गंगौर पर छींटे लगाए जाते हैं, फिर महिलाएं उस जल को अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर छिड़क लेती है। अंत में माता को भोग लगाकर गंगौर माता की कथा सुनती है। वहीं संध्या ने बताया कि इस दिन अविवाहित लड़कियां और विवाहित स्त्रियां दो बार पूजन करती है, जिसमें पपड़ी या गुने रखे जाते हैं। गंगौर विसर्जित करने के बाद घर आकर गंगौर की राजस्थानी गीत गाए जाते हैं। दहन के दिन से स्टार्ट होती है गंगौर पूजा, ठीक है ना। ये ईसर गौड़ा मतलब सिर्फ पार्वती के लिए की जाती है, मतलब हम लोग पार्वती जी है ना मायके आती है, ठीक है, और 16 दिन अपने मायके में पूजा करते हैं और उसके बाद है ना आज के दिन है ना वो ससुराल, फिर वापस हम लोग स्नान करते हैं, ससुराल चल जाती है। आज मेरा पहला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम तो इस चीज़ को लेके कि फर्स्ट है, फर्स्ट ही रहता है और उसके बाद तो फिर शिव जी और पार्वती जी आते हैं, फर्स्ट है, अच्छा है। हाँ, कैसे पूजा की जाती है, निराहार क्या तरीका है, कैसे पूजा की जाती है इनकी, तो कैसे एक मेहंदी से, काजल से, रोली से इनको पूजा किया जाता है, फिर फूल वगैरह चढ़ाया जाता है इन पे, और जो भी लास्ट वाले दिन, आज वाले दिन है ना, फिर बहुत सारे मैरिड वुमेन सब आ जाती है। और क्या मांगे इनसे, भगवान से क्या मांगे, क्या मांगे, बस अच्छे अच्छे जाइए, अच्छे अच्छे से फिर से आइए नेक्स्ट ईयर, और अपना आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना के रखिए और खुश रहिए आप लोग। इसके बाद फर्स्ट टाइम तो घर पे होता है, मम्मी पापा के घर पे, अच्छा लगा करके सबके साथ टाइम स्पेंड करके। किस तरह पूजा अर्चना की है, सुबह पूजा होती है, इसमें गीत गाते हैं, धूप से पूजा करते हैं, फिर शाम को वापस पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं। क्या महत्व है ये सुहागनों का, होता है तो सुहाग के लिए होता है, जिसमें औरतें अपने सुहाग के लिए, अपने बीवी अपने घर वालों के लिए, भाई के लिए, पिता के लिए पूजा याचना करती हैं कि उनको सुख रखे, उनको सुखी रखे। जो सावन वाली होती है उसको हरियाली तीज बोलते हैं और ये गंगौर वाला सिंधारा हुआ है। तीन राजस्थान का पर्व है ये, खास मतलब मारवाड़ियों का है, शादी होती है उसका परिवार के लिए होता है या सिर्फ पति के लिए, ये सुहागनों का पर्व है और इसको बहुत पूरे राजस्थान में क्या पूरे सुहागन सारी बहुत धूमधाम से मनाती है। हमारी लड़कियाँ भी इसको है ना पूजा करती है, कुंवारी है, नई नई लड़कियाँ है, सब सब पूजा। अपने सपनों के आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया, देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111।